क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.3, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी, प्रूफ दैट डी ई पैरेलल बी सी। तो पहले फिगर देखते हैं तब इसको सोचेंगे। तो आप देख सकते हैं ए बी में डी पॉइंट है, ए में ए सी में ई पॉइंट है, ठीक है। और कहते हैं एरिया ऑफ डी बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी यानी किसको ज्वाइन करेंगे, और एरिया ऑफ ई बी सी इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब आपसे कहा है कि इसमें एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी है, प्रूफ दैट डी ई पैरेलल बी सी, प्रूफ दैट डी ई पैरेलल बी सी। तो समझेंगे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेसिकली, इस स्टेटमेंट के साथ ही इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। एक हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है और उनका एरिया इक्वल है तो वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होगा। तो यहाँ पर कुछ सेम बात उसने देखी थी हमको, तो हम कह देंगे सीधे ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस बी सी एंड हैव इक्वल एरिया एंड हैव इक्वल एरिया, देन बाई थ्योरम, ठीक है, बाई जो भी उसका पॉइंट होगा जो थ्योरम ने नंबर होगा उससे कह सकते हो, फिर सीधे कह सकते हो देन डी पैरेलल बी सी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो डी किसके पैरेलल होगा, बी सी की बात हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें कि डी बी सी और ई डी सी का एरिया इक्वल है, बेस सेम है, तो ऑब्वियस है डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा, ये बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कहता है एक्स वाई इज़ अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। इफ़ बी ई पैरेलल ए सी, इफ बी ई पैरेलल ए सी एंड सी एफ पैरेलल ए बी मीट्स एक्स वाई एट एफ एंड एफ एट एन ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली शो दैट एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। तो ये तब तक बात समझ में नहीं आएगी जब तक इसको फिगर पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक्स वाई लाइन बी सी के पैरेलल है, ठीक है, एक्स वाई लाइन बी सी के पैरेलल है, और आप देख सकते हैं कि ये जो बी ए लाइन है ये इस ए सी के पैरेलल है, और ये जो सी एफ लाइन है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। वो यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं। ओके नाउ ये कहता है कि ये जो बी ई पैरेलल ए सी है मीट्स एक्स वाई एट ई, तो साफ दिख रहा है हमने ऐसे ही फिगर ड्रॉ किया है, ऐसे सी एफ पैरेलल ए बी मीट एक्स वाई एट एफ। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, इन दोनों का एरिया को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। प्रूफ में सीध सबसे पहली बात हमें समझते हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी, तो अगर एक्स वाई ए बी के पैरेलल है तो एक काम करते हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पर ई एफ जी एच कह देते हैं, ठीक है। तो समझो अगर एक्स वाई ए बी के पैरेलल है, सॉरी एक्स वाई इज बी सी के पैरेलल है, एक्स वाई बी सी अगर पैरेलल है तो ये ई एच भी किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा, सिंपल सी बात है, ये पूरा बी सी के पैरेलल, तो ये ई एच भी बी सी के पैरेलल होगा। और अभी अभी हमने एक बात कही थी बी ई पैरेलल सी एच, अच्छा बी ई पैरेलल सी एच नहीं कहते, देखो बी ई पैरेलल ए सी था तो ऑब्वियस है अगर बी ए सी के पैरेलल है तो बी ई सी एच के पैरेलल भी होगा, तो बी ई पैरेलल ए सी, तो इट मीन्स बी ई पैरेलल सी एच, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से ई एच पैरेलल बी सी, बी ई पैरेलल सी एच हम कह सकते हैं बी ई सी एच, सॉरी बी सी एच ई कह देते हैं, ठीक है, इसके कहते हैं बी सी एच ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ में बात, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो बी सी एच ई इज अ पैरेललोग्राम। अब समझना थोड़ा सा, अब समझना कि ये जो ट्राइंगल ए बी ई है, ट्राइंगल ए बी ई है
और जो बी सी एच ई है, अब ये थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बी ई को यहाँ लिखते हैं बी ई एच सी। अब समझना, ये बी ई है और इसी बी को बेस मानते हुए, इसी बी को बेस मानते हुए एक ट्रायंगल बना रहे हैं, कौन सा, ए बी ई। और जो ए बी ई है वो इस ए सी वाली लाइन को, मतलब ये एच सी वाली लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आगे यहाँ पर बढ़ाते रहे। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बी सी एच ई और ए बी ई का सेम बेस है क्या, बी ई, बिटवीन सेम पैरेलल्स बी एंड सी एच। तो मैं कह सकता हूँ, आप यहाँ पे कह देंगे बी सी एच ई एंड ए बी ई हैव सेम बेस बी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बी ई एंड सी एच या बी ई एंड ए सी, वट एवर इट इज, बात एक ही है, ठीक है, बी एंड ए सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एच ई हो जाएगा। ये चार हमने पढ़ी थी। अब ऐसे ही, अब सेम तरीके से आप यहाँ देखो, जैसे हमने बी सी एच ई पहले ग्राम दिखाया, अब हम क्या दिखाएंगे, बी सी एच बी सी एफ जी दिखाएंगे। कैसे, समझना, एक्स वाई किसके पैरेलल है, बी सी के, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब ये जी एफ पैरेलल किसके होगा, बी सी के, तो जी एफ पैरेलल किसके होगा, बी सी के। और यहाँ से हम जानते हैं कि जो बी जी पैरेलल है किसके है, सॉरी, जो सी एफ पैरेलल है किसके है, ए बी के, सी एफ पैरेलल है ए बी के, तो सी एफ पैरेलल बी जी के भी होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि बी सी एफ जी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब समझना, जो भी हमने यहाँ बात करी वही इस वाले से में कहेंगे कि ए सी एफ एंड ए सी एफ एंड बी सी एफ जी आर ऑन सेम बेस, कौन सा है, सेम बेस सी एफ, बिकॉज ए सी एफ और बी सी एफ जी, ए सी एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, कौन सा, सी एफ और ए बी। तो यहाँ से आप कह सकते हो एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एफ जी। ठीक है, इसको इक्वेशन वन कह दिया, इसको इक्वेशन टू कह दिया। अब आप समझना, अब हमको तो ये ए बी का एरिया ए सी एफ के इक्वल चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये ऐसा आ गया कि जब तक ये इक्वल नहीं होंगे, आर एच एस एम एच एस एस को इक्वल नहीं कह सकते। तो अब समझो दोबारा से जो थर हमने पढ़ी है, बी सी एच ई बी सी एफ जी, इनकी दोनों में क्या आया बार बार बी सी, तो आप कहोगे बी सी एफ जी एंड बी सी एच ई आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन सा, बी सी एंड एक्स वाई कह सकते हो। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ से ये क्या बनेंगे, इक्वल। तो एरिया ऑफ बी सी एफ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एच जी, यानी इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल हो चुके हैं। तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे फिर, ठीक है, इट्स का मतलब हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी एच जी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अगर आपस में इक्वल हैं तो अब आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू,
फ्रॉम द क्वेश्चन 1 and 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इधर द साइड ए बी ऑफ अ पैरोग्राम ए बी सी डी, द साइड ए बी ऑफ अ पैरोग्राम ए बी सी डी, ए बी को इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी, इसको पी तक प्रोड्यूस किया गया है, एंड पैरेलल टू सी पी, एंड पैरेलल टू सी पी, सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, इस सी पी के पैरेलल हमने क्या किया है, एक सी बी प्रोड्यूस करी है जो क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एंड देन पैरोग्राम पी बी क्यू आर इज कम्प्लीटेड, और तब जाके पी बी क्यू आर क्या हो रहा है, कम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, मीन्स हमको ये पता है यहाँ पर को पी बी क्यू आर क्या है, पैरोग्राम है। ठीक है, समझना ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होने वाली है, और ये इसके पैरेलल, तो हम कह सकते हैं पी पी क्यू आर इज पैरोग्राम। ठीक है, तो ये पैरोग्राम होने के दो तरीके हमने बताए थे आपको। अब ये कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी पी क्यू आर। ठीक है, इसके लिए एक आपको हिंट देता है, ये कहता है जॉइन ए सी, जॉइन ए सी एंड जॉइन पी क्यू, एंड जॉइन पी क्यू। ठीक है, आप समझते हैं, प्रूफ पे आएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ए बी सी डी का एरिया पी बी क्यू आर के इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप कहेंगे इन ट्राइंगल, सॉरी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी जो डायगनल, ए सी जो डायगनल। ठीक है, तो हम जानते हैं डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, जो डायगनल है इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट कहता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो पैरेलल एरिया भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। हो सकता है वर्ड्स प्रॉपर समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं इसलिए हर एक टर्म को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी हमको इक्वेशन 1 मिल गई। ऐसे ही यहाँ पी बी क्यू आर सिमिलरली एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी आर क्यू, यह क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समझना, ये जो लाइन है, ठीक है, थ्रू ए, ठीक है, लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, ठीक है, एक इस ए से सी पी की पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब ये है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी पी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है। तो अब समझना, ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू, कौन सा, ए सी क्यू एंड ए पी क्यू आर ऑन सेम बेस, कौन सा, ए क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, कौन से, ए क्यू एंड सी पी। तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ए सी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू, मतलब ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल आ गया। ठीक है, अब समझ लो ए सी क्यू किसके इक्वल आ चुका है, ए पी क्यू के, मतलब ये पूरा एरिया किसके इक्वल, इस पूरे एरिया के इक्वल। मतलब कौन सा पार्ट मैंने दो बार शेड किया, ये वाला हिस्सा मैंने दो बार शेड किया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ दोनों में से, उससे क्या फ़ायदा होगा भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड एरिया ऑफ ए बी क्यू, तो एरिया ऑफ ए सी क्यू में से एरिया ऑफ ए बी क्यू को माइनस किया, और एरिया ऑफ ए पी क्यू में से भी एरिया ऑफ
ई वी क्यू को माइनस कर दिया, मतलब इस पूरे में से इसको माइनस किया तो ये आएगा, यानी कि एरिया ऑफ ए पी सी आ जाएगा। ठीक है, समझना, इतने में से इतना हटाऊंगा तो ये आएगा, और ऐसे ही इतने में से इसको हटाऊंगा तो ये आएगा, एरिया ऑफ पी बी क्यू आ जाएगा। अच्छा, अब समझना, ए बी सी और पी बी क्यू आपस में इक्वल आ गए, ए बी सी और पी बी क्यू आपस में इक्वल आ गए, तो ऑब्वियस ए डी सी पी आर क्यू भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब पी भी आपस में इक्वल होंगे। खैर, इन दोनों बातों से ज़्यादा मतलब नहीं है, जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हुए हमारा काम ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? ये जो मैंने कहा था ए डी सी और ए बी सी आपस में इक्वल हैं, किस किस रिस्पेक्ट में कहा था, इस पैरेलोग्राम के रिस्पेक्ट में, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो किसका हाफ होंगे, पूरे ए बी सी डी का। ठीक है, इसका मतलब यहीं पर आप लिख देंगे ये किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी के, और ये किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी क्यू। ठीक है, तो ए बी सी और पी पी बी क्यू तो दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम कह देंगे हाफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी बी क्यू आर, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो ए बी सी डी यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहले इन दोनों को इक्वल कहा, इन दोनों को इक्वल कहा, और ऐसे यहाँ इसको इक्वल और यहाँ इसको इक्वल, इसको माइनस कर दिया तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो सीधी सी बात थी इन पूरे क्वाड्रेटिक क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।